हेलो गाइस, स्वागत है आपका हेलो टेक इंडस्ट्री में। मेरा नाम है दीपक और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस बॉक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर सेल चली थी दिवाली की, तो मैंने ये जो बॉक्स है मतलब कि इसमें जो स्पीकर्स हैं होम थिएटर जो हैं वो इंटेक्स के हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्रांडिंग में, तो ये मैंने मंगाया था। तो इसको वैसे एक हफ्ता हो चुका है, देखिए उस टाइम पे मैंने चेक करके और वीडियो बनाई थी थोड़ी ख़राब सी हो गई थी वीडियो, तो दोबारा से बना रहा हूँ। तो ये जो अनबॉक्सिंग है वो एक हफ्ते बाद की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, उसको चला लिया नवरात्रे थे, तो नवरात्रों में मेरी सिस्टर मम्मी ने बहुत गाने बजाए थे नवरात्रि माता के, ठीक है। तो मंगाया इसलिए था कि पार्टी वार्टी के लिए, थोड़ा सा घर पर कोई छोटा सा फंक्शन होता है तो गाने वाने बजाने के लिए स्पीकर नहीं थे, तो मंगा लिए, थोड़े सस्ते पड़ रहे थे। वैसे इसकी नॉर्मल जो प्राइस होती है वो 2100 से 2200 रुपए के बीच में होती है, बट ये मैंने मंगाए हैं 1600 रुपए के, ठीक है। इंटेक्स के हैं, इसकी देख लेते हैं। ये जो पैकिंग आई थी ऐसी ही आई थी, वो बंदा मेरे को फ्लिपकार्ट की पैकिंग में भी नहीं दे गया था, ऐसे ही दे गया था। ये जो पन्नी लगी हुई है ना ऐसी थी, सिर्फ मैंने ये रखी हुई थी इसलिए ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो अब इसकी ना अनबॉक्सिंग करने लगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या निकला था, ठीक है। तो इस तरीके की पैकिंग आई थी इसकी, बस यहाँ पे जो स्टीकर लगा हुआ नहीं है वो उनका फ्लिपकार्ट का, बस स्टीकर था, ठीक है। इसको स्कैन करके उसमें जो है उनको हैंड ओवर कर दिया था। इस तरीके का बॉक्स आएगा इसके साथ में, आपको पन्नी होगा देते हैं साइड में। तो गाइस इस स्पीकर का जो मॉडल नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, IT2616TUFBOS है। ये कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर है 4.1। इसके अंदर में 4.1 के चैनल्स मिलते हैं आपको, यूएस प्लेबिलिटी मिलती है, एफएम रेडियो मिलता है, ये पीएफ प्लेबिलिटी चाहे कार्ड वार्ड की यूज़ के लिए होती है। ब्लूटूथ का कनेक्शन मिलेगा और साथ में आपके आपको एक रिमोट भी मिलेगा, जो कि ये मतलब इंटेक्स का शायद ज़्यादा मेरी नज़र में है वो मेड इन इंडिया है, इंडिया की कंपनी इंटेक्स, तो इसलिए भाई इंटेक्स के साउंड जो है स्पीकर जो है सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको साउंड भी प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। इस साइड में हम देखेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर भी यही है, और यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएगी इंटेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया, जो कि ओखला में है, हमारे पास ही पड़ता है, और जो इसका सर्विस सेंटर है वो भी कहीं पास में होगा। इसकी जो है एक साल की वारंटी मिली है। इसके अंदर अब हम देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। इस तरीके की कुछ पैकिंग मिलेंगी आपको, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ध्यान से निकालना पड़ेगा। सुबह तो मैं इसको दोबारा से पैक कर रहा हूँ, लग भी नहीं रहा चलाया था, तो अभी ये दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा ना किस तरीके से पैक है, गाड़ी तो निकलने हुआ। Two thousand years later. तो भाई निकल गया है बड़ी मशक्कत के बाद में। इस बॉक्स के अंदर में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर में एक कार्ड आएगा आपके पास, जो जो वारंटी कार्ड होता है और यूजर मैनुअल गाइड होता है। हाँ ये रखी हुई मैंने इसमें रख दी थी, मतलब उस टाइम पे आया था तो मैंने इसमें रख दी। तो इस तरीके का आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा, इसी में वारंटी कार्ड है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करके आप वारंटी ले सकते हैं, ठीक है। और रिमोट के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स बताए हुए हैं जो कि आप कर सकते हो, और जो बैकग्राउंड में अगर कुछ पोर्ट या फिर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जो वॉल्यूम का जो साइन है वो क्या है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इसको रख देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर दो स्पीकर मिलेंगे, यहाँ पर दो स्पीकर आपको अटैच मिलेंगे, जब आपके पास नया आएगा तो इस तरीके से इसको निकालोगे तो इसको निकाल लेते हैं। ये मेन यूनिट है, देख रहे हो क्या अलग हो गया अनबॉक्सिंग की, ठीक है। ये भी स्पीकर कुछ इस तरीके से पन्नियों में आते हैं, मैं निकाल देता हूँ सारे स्पीकरों को बाहर। मेन यूनिट है वो दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छी है, सही है क्वालिटी, वैसे ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, उल्टा रख दिया मैंने, ठीक है। थोड़ी सी दूरी होंगी थी, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ता चलाया मैंने इसको,
तो इस तरीके से आपको गाइस चार स्पीकर्स मिलेंगे। निकाल लेना जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसके अंदर में तीन मोड मिलते हैं, ब्लूटूथ का, ऑक्स का, ऑक्स केबल जो की एक पीछे लगती है और एक आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा सकते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ ऑक्स और एक एफएम रेडियो का। यहाँ पर वॉल्यूम बटन दिए हुए हैं, मोड चेंज करने का दिया हुआ है और एक यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है, एक यूएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है, एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये वॉल्यूम कंट्रोल का है, आप अपने डिवाइस से भी वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से अलग पावर बढ़ेगी इसकी वॉल्यूम की और आपके जो डिवाइस है उससे अलग बढ़ेगी, ठीक है। दो स्पीकर है, इनकी जो दो स्पीकरों की लेंथ जो है, मतलब जो केबल की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिलेगी और दो स्पीकर की छोटी मिलेगी, देख सकते हो है ना कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये चार स्पीकर मिलते हैं, तो इसको जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। ध्यान रहे, देखिए जो रेड और व्हाइट कलर की जो केबल मिलेगी आपको वो रेड वाले में लगाएंगे, व्हाइट वाली व्हाइट। अब ये तैयार हो चुका है, यहाँ से बटन ऑन और ऑफ करने का भी मोड है, ठीक है। यहाँ से मेन की मिल जाती है और बाकी ये जो है बेस बढ़ाने का है, बेस इसको फुल करके रखना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इसमें, वैसे और कुछ टेक्निकल बताने के लिए है नहीं है, आप नॉर्मल सी चीज़ें हैं सारी जो कि आपके सामने हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, अच्छी है इसकी और ना, और इसकी फिनिशिंग है वो मैट फिनिशिंग है, तो मतलब हाथों से चलने का डर है, ये थोड़ा ग्लोसी में है कि हाथ से चलने से, हाथों से चलने से, और ये थोड़ा मैट, ये मैट फिनिश, ये ग्लोसी फिनिशिंग में है तो ये थोड़ा सा फिसलने का डर रहता है। अब मैं आपको इसको लेकर भी दिखा देता हूँ, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ऑक्स का आ रखा है, ठीक है। अब आप मोड जब यहाँ पे बटन दबाओगे ऐसे ही आपको रिमोट में भी बटन मिलेगा, मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आपको रिमोट मिलेगा इसके साथ में, जिसमें कि बहुत सारे फंक्शनलिटी हैं, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये मोड का बटन है, ये म्यूट का है, ये नेक्स्ट का है, ये वॉल्यूम के हैं, कुछ नंबर्स हैं, स्कैनिंग का है और ये शायद प्ले करने का बटन है, प्ले और पॉज का, ये इक्वलाइजर है इसका पता नहीं शायद इससे बेस कम ज़्यादा करने का है, ये रिपीट का है, ठीक है। इसके साथ में आपको इंटेक्स वालों ने साथ में ही आपको बैटरी भी मिलेंगी, आपको साथ में आपको बैटरी भी मिलेंगी इसकी, जो कि आप लगा सकते हो, इसमें खरीदने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिए, मैं आपको ऑन, ये ऑफ हो, ऑफ हो गया है, दोबारा लगाऊंगा तो ऑन हो गया। मोड चेंज करने का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मोड चेंज करूँगा, ये जो है एफएम रेडियो का मोड हो गया, इसको मैं करूँगा तो ब्लूटूथ का मोड हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको ऑक्स केबल भी मिलेगी, जो कि आप अपने लैपटॉप और पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं, आपने देखा होगा रेड और व्हाइट कलर के दो पोर्ट खाली थे, आप वो ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ब्लूटूथ जैसे ही करेंगे, ब्लूटूथ का जो नाम है वो इंटेक्स करके आएगा, आप अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे ना अपने अपने पीसी में या फिर मोबाइल में, तो इंटेक्स करके आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा। ये भी लगा सकते हो। तो गाइस आपको करना क्या है कि जाना है अपने विंडो में, यहाँ पर लिखना है ब्लूटूथ, तो गाइस आपको करना क्या है कि ऐड न्यू डिवाइस पे जाना है, ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हो आप जैसे कि यहाँ पर इंटेक्स आ चुका है, इंटेक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और डन करना है आपको,
फिर उसके बाद आप गाने चला सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी तेज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और यार दोस्तों फैमिली फ्रेंड में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ ऐसे ही, और आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी।